बच्चों जब भी आप अपने जरूरत का कोई सामान खरीदने की कोशिश करते हैं या आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके बहुत सारी वैराइटियों के बारे में सोचते हैं चिंतन करते हैं मनन करते हैं कि हम कौन सी वैरायटी खरीदें उसमें से कौन सी वस्तु किस कंपनी की खरीदें और जब हम ऐसा सोचते हैं जब हम ऐसा कुछ खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी क्वालिटी अच्छी है जिसकी कंपनी का नाम है या हम कई बार ब्रांड नेम देखते हैं या हम देखते हैं कि आपके जान पहचान में किसी व्यक्ति ने उस वस्तु को ख़रीदा था और वो अच्छी चली अच्छी क्वालिटी थी उसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी तो इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद ही आप कोई सामान खरीदते हैं तो ये जो क्वालिटी है किसी वस्तु के अंदर ये उसकी प्रसिद्धि या ख्याति कहलाती है और अगर वस्तु प्रसिद्ध है वस्तु के अंदर ख्याति है यानी कि जिस फॉर्म ने उसका निर्माण किया है उसका विक्रय किया है उस फॉर्म में कोई प्रसिद्धि थी उस फॉर्म में कोई क्वालिटी थी ये उसकी गुडविल है यानी वस्तु की तो गुडविल है ही साथ ही साथ ये उस फॉर्म के भी गुडविल है जिस फॉर्म ने उसका निर्माण किया है उसका विक्रय किया है तो वास्तव में अभी हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे ख्याति यानी कि गुडविल को ये एक ऐसी अमूर्त संपत्ति है हम कह सकते हैं जो आ, उन व्यवसायों में उन व्यापारों में पाई जाती है जिनकी आ, जो उत्पादकता होती है जिनके वस्तुओं का जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है मार्केट में उनका काफ़ी अच्छा नाम होता है यानी वो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं तो प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्धि को ही हम गुडविल या ख्याति कहते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए हम गुडविल यानी कि ख्याति की कुछ परिभाषाओं को समझें तो आपने देखा कि कई विद्वानों ने अलग अलग आधार पर ख्याति को परिभाषित किया है लेकिन कुल मिलाकर सबका यह मानना है कि ख्याति किसी व्यापार की प्रसिद्धि है इतने लंबे समय तक उसने जो गुणवत्तायुक्त काम किया है जो गुण अपने उत्पादों में उसने डाला है यही उसकी गुडविल है यही उसकी प्रसिद्धि है और कुल मिला वो एक प्रकार की संपत्ति भी है आइए ख्याति के कुछ लक्षणों को देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि ख्याति जो है वो व्यवसाय की स्थायी संपत्ति होती है हालांकि वो दिखाई नहीं देती इसलिए हम उसको अमूर्त भी मानते हैं लेकिन फिर भी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको हम संपत्ति मान के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ख्याति यानी कि गुडविल किसी भी व्यवसाय की स्थायी संपत्ति है इसी तरह इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये अमूर्त है अदृश्य है किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि उसकी इमेज अच्छी है उसका नाम अच्छा है वो हमको कहीं दिखाई देता है क्या नहीं दिखाई देता लेकिन क्योंकि हम उसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमको ये फील होता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था इससे हमको काफ़ी उपयोगिता प्राप्त हुई ये उसकी प्रसिद्धि है उपयोगिता तो हमको प्राप्त होती है लेकिन वो उपयोगिता दिखाई नहीं देती यानी गुडविल हमको दिखाई नहीं देती इसलिए हम इसको अमूर्त संपत्ति मान लेते हैं एक महत्वपूर्ण तो विशेषता इसकी ये भी है कि इसका जो उद्देश्य होता है इसका जो काम होता है हम ये कह सकते हैं लाभार्जन करना होता है सीधी सी बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत प्रसिद्ध हो गया है बहुत फेमस हो गया है उसकी गुडविल अच्छी है तो उसका पूरा का पूरा लाभ कंपनी को उस फर्म को मिलेगा जहाँ पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है Uh, हम इसको सिर्फ प्रोडक्शन से ना जोड़ें हम इसको प्रोफेशन से भी अगर जोड़ दें तो जिस व्यापार uh, की प्रसिद्धि अच्छी है वो तो चलता अच्छा है लेकिन साथ साथ अगर पेशे को अगर हम इसमें जोड़ दें जैसे डॉक्टर है इंजीनियर है वकील है आ, ये अगर अपने पेशे में बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं तो वो उनके पेशे की ख्याति बन जाती है उनकी अपनी गुडविल बन जाती है जिसका सीधा सीधा लाभ प्रत्यक्ष रूप से उनको प्राप्त होता है आप देखते होंगे कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं किसी भी चीज़ के तो हम अपने आसपास के कुछ लोगों से पूछते हैं कि वो अमुक डॉक्टर कैसा है हम उसके पास ट्रीटमेंट के लिए जाएँ या ना जाएँ तो जब हमको बहुत अच्छे रिव्यू मिलते हैं उसके बारे में तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ वो डॉक्टर अच्छा होगा यानी कि उसकी गुडविल अच्छी है जिन लोगों ने उनसे ट्रीटमेंट लिया उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ तो हम ये मान लेते हैं कि उनकी गुडविल काफ़ी अच्छी है उनकी प्रसिद्धि काफ़ी अच्छी है तो हम फिर उनकी ओर फिर जाते हैं वैसे ही इसके एक विशेषता के रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि पुराने व्यवसाय जब हो जाते हैं तो ये गुडविल ही ऐसी चीज़ होती है जो ग्राहकों को आकर्षित करती है कई बार हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक हम उनका यूज़ करते चले आते हैं तो उसके बारे में फिर हम सोचते नहीं हैं कि किसी से रिव्यू लिया जाए किसी से पूछा जाए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनक, इनके व्यापार की जो अवधि होती है काफ़ी लंबे समय से वो व्यापार करते चले आ रहे हैं उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करते चले आ रहे हैं और हम उनको यूज़ करते चले आ रहे हैं तो ये उनकी जो एक लंबी अवधि होती है जो पुराने व्यापार होते हैं वो अपने आप फिर उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है उनकी ख्याति बढ़ती जाती है ख्याति की एक विशेषता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इनका व्यापार से कोई पृथक अस्तित्व तो नहीं होता ये व्यापार से जुड़ी हुई होती हैं जैस जह, जहाँ जहाँ व्यापार जाता है वहाँ वहाँ ख्याति जाती है हम ये नहीं कह सकते कि व्यापार को ख्याति से अलग कर दिया जाए जिस वस्तु का व्यापार है उस वस्तु की ख्याति उस व्यापार से ही हमेशा जुड़ी हुई होगी यानी उस वस्तु को हम उस व्यापार से उस कंपनी के नाम से ही जानेंगे एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये भी है कि बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो मिलकर ख्याति यानी कि गुडविल को उत्पन्न करते हैं ऐसा नहीं कि व्यापार का स्वामी बहुत अच्छा था तो उस व्यापार की गुडविल अच्छी है उसके स्वामी का व्यवहार बहुत अच्छा है तो उसकी गुडविल अच्छी ऐसा नहीं है हम उत्पादन में जितने वस्तुओं का जितने साधनों का प्रयोग करते हैं अगर सब में गुणवत्ता अच्छी है आ, कच्चा माल अच्छी क्वालिटी का है श्रमिक अच्छी क्वालिटी के हैं जो मैनेजमेंट है वहाँ पे वो बहुत अच्छा है तो ये सब मिलके एक अच्छे वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति किसी व्यापार की ख्याति को बढ़ा सकता है या घटा सकता है बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो आपस में मिलके ख्याति का निर्माण करते हैं ऐसे ही इसकी एक विशेषता ये भी है कि अमूर्त संपत्ति होने के कारण हम इसको अपलिखित नहीं कर पाते यानी कि राइट ऑफ नहीं कर पाते आपने देखा होगा कि जो भी स्थायी संपत्तियां होती हैं उनको हम डेप्रिसिएशन उनमें चार्ज करते हैं साल दर साल लेकिन क्योंकि अमूर्त संपत्ति है वैल्यूएशन तो हम इसकी कर लेते हैं लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज हम इसमें नहीं करते और यही कारण है कि फिर हम उसको राइट ऑफ यानी कि अपलिकितियाँ समाप्त नहीं कर पाते हैं इस पर कुछ विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है जिसके बारे में हम इसी अध्याय में आगे चर्चा करेंगे फिलहाल हम देख लें कि ख्याति की प्रकृति क्या है अलग अलग तरह का ये नेचर रखती है जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि ख्याति जो है एक संपत्ति है मैक्सिमम लोगों ने ये माना है कि संपत्ति है क्यों संपत्ति है क्योंकि व्यापार की जो संपत्तियां होती हैं वही अपना काम करके व्यापार को अधिक लाभार्जन के लिए प्रेरित करती हैं जब हम मशीन भवन भूमि इन सब स्थायी संपत्तियों का प्रयोग करते हैं तो प्रोडक्शन होता है और उसी प्रोडक्शन से फिर आगे चल के लाभ प्राप्त होता है तो क्योंकि हमने अभी देखा कि ख्याति भी एक ऐसा तत्व है जो लाभार्जन में सहायक होता है इसलिए ख्याति को भी हम एक संपत्ति के रूप में मानते हैं तो एक ये इसकी प्रकृति है कि ख्याति संपत्ति की तरह है दूसरा हम इसकी प्रकृति पे बात करें तो एक अमूर्त संपत्ति है अवास्तविक सीधी सी बात है क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देती इसलिए अमूर्त संपत्ति है हमने यहाँ पे बात की कि क्योंकि वो अमूर्त संपत्ति है तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते और क्योंकि हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो हम उसको राइट ऑफ भी नहीं कर पाते लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जैसे बाकी फिक्स एसेट्स में हमने मशीनरी पे फर्नीचर पे बिल्डिंग पे हम जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वैसा ही हमको ख्याति पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए और एक निश्चित समय के बाद फिर उसको राइट ऑफ भी कर देना चाहिए और शायद वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम कई कही मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन तो करते हैं तो इसमें उतार चढ़ाव होना भी ज़रूरी होता है तो ये अपने अलग अलग जो राइटर्स अलग अलग जो विद्वान हैं उनकी अपनी मान्यताएँ हैं एक प्रकृति हम इसको ये भी इसकी कह सकते हैं कि विक्रय योग्य संपत्ति है किसी व्यापार के गुडविल को बेचा भी जा सकता है हालांकि हमने इसकी विशेषताओं में देखा कि व्यापार की जो ख्याति है वो व्यापार से चिपकी हुई होती है व्यापार की ख्याति को हम व्यापार से अलग नहीं कर सकते लेकिन हम चाहें तो इसको बेच सकते हैं ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है भाई मान लीजिए एक पेस्ट बनाने वाली कंपनी है वो टूथब्रश नहीं बनाती लेकिन टूथपेस्ट बनाती है तो चाहे तो वो अपनी कंपनी के नाम को प्रसिद्धि को उस टूथब्रश बनाने वाली कंपनी को सेल कर सकती है कि हम टूथब्रश नहीं बनाएंगे लेकिन आप हमारे नाम से टूथब्रश बना सकते हैं और हमारी गुडविल को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं तो ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है कि ख्याति को विक्रय योग्य मान लिया जाए उसे बेचा भी जा सकता है तो ये इसकी कुछ अपनी प्रकृति थी अब हम देखें कि इसका स्वभाव कैसा होता है अलग अलग तरह की ख्यातियाँ हमको देखने को मिलती हैं क्योंकि हम यहाँ पर व्यापार व्यवसाय उद्योग और पेशे को भी शामिल कर रहे हैं यहाँ पर ख्याति से जोड़ रहे हैं तो अलग अलग तरह के व्यवसाय के लिए अलग अलग तरह के कार्यों के लिए ख्याति का जो स्वभाव होता है वो भी अलग अलग होता है जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति बिल्ली का स्वभाव आप देखते हैं बिल्ली का स्वभाव ऐसा होता है कि वो जिस घर में रहती है उस घर को वो छोड़ना नहीं चाहती वो कहीं भी रहे दिन भर कहीं से भी घूम फिर कर वापस उस घर में आ जाती है उसको इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी स्वा उसका जो स्वामी है जो उसको दूध पिलाता है खाना खिलाता है वो कहाँ पे है यानी उसका स्वभाव एक निश्चित स्थान पे रहने का होता है तो कई व्यापार ऐसे होते हैं जिनकी जो गुडविल होती है वो उस व्यापार से चिपकी हुई होती है जुड़ी हुई होती है जहाँ वो व्यापार रहेगा वहीं पे वो ख्याति रहेगी उन व्यापार से ख्याति को पृथक नहीं किया जा सकता जैसे ही उस व्यापार का जो स्थान है उसको अगर परिवर्तित कर दिया जाता है तो फिर वो ख्याति जो है वो उस व्यापार में ही रह जाएगी स्थान भले कहीं और चला जाए, यानी कि अगर मान लीजिए व्यापार को रिप्लेस कर दिया जाता है बेच दिया जाता है तो भी वो जो ख्याति है वो पुराने व्यापार में ही रह जाती है नए व्यापार को उस ख्याति से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाता है वैसे ही दूसरी होती है कुत्ते की प्रकृति की ख्याति मैं मानते हैं कि कुत्ता जो होता है वो स्वामी भक्त होता है जो भी उसको पालता है वो उसके आगे पीछे ही घूमते रहता है वो जहाँ भी जाए अगर वो अपना घर बदल के दूसरी जगह चले जाता है तो कुत्ता भी दूसरी जगह चले जाता है तो कुछ ख्याति ऐसी होती है जो कुत्ते के स्वभाव की होती है यानी स्वामी के साथ साथ जैसे कुत्ता चलता है वैसे ही व्यापार व्यवसाय पेशे के साथ साथ वो ख्याति चलती है मुख्य रूप से इसका प्रयोग हम पेशे में करते हैं जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर कोई डॉक्टर कोई सर्जन बैठते हैं तो हो सकता है कि वो जो हॉस्पिटल हो वो उस सर्जन या उस डॉक्टर के नाम से फेमस हो उसकी जो गुडविल है वो ना उस फर्म में नहीं है जहाँ पे वो हॉस्पिटल है बल्कि वो उस डॉक्टर में है अब वो डॉक्टर अगर उस हॉस्पिटल को छोड़ कर उस यूनिट को छोड़कर अगर कुछ इत, किसी दूसरे यूनिट में चला जाता है किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला जाता है तो वो ख्याति भी उसके साथ साथ दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएगी किसके साथ साथ उस डॉक्टर के साथ साथ तो इस तरह से पेशे से रिलेटेड जो ख्यातियाँ होती हैं उनको हम कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं वैसे ही एक ख्याति होती है चूहे के प्रकृति की ख्याति चूहा जैसे आप देखते होंगे उसको कोई मतलब नहीं है कि घर कहाँ पे है स्वामी कहाँ पे है अब चूहे को तो कोई दूध ब्रेड खिलाता नहीं है तो वो अपने हिसाब से खाना पीना ढूंढता रहता है घूमता रहता है वो इधर उधर वैसे ही चूहे की प्रकृति की जो ख्याति होती है उसको कोई मतलब नहीं कि कहां है कि व्यापार कहाँ है व्यापार का स्वामी कहाँ है ख्याति किसके नाम से यानी कुल मिलाकर ऐसे व्यापार से रिलेटेड है जहाँ पर ग्राहकों की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ जिनसे जुड़ी हुई होती हैं कि ग्राहक को कोई मतलब नहीं है कि उसका व्यापार व्यवसाय कौन सा है किस प्रकृति का है किस ब्रांड का है उसको कोई लेना देने ग्राहकों को जहाँ पर उनकी आवश्यकता की चीज़ मिल जाएगी वो वहाँ से ले लेंगे यानी कि जहाँ गुडविल का बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती जहाँ गुडविल वहाँ पर जो गुडविल होती है वो चूहे के प्रकृति की गुडविल होती है तो इस तरह से अलग अलग व्यवसाय व्यापार उद्योग या पेशे में जो गुडविल हम देखते हैं वो अलग अलग तरह की अलग अलग स्वभाव की होती है यहाँ पर अगर हम देखें कि ख्याति की वैल्यूएशन भी की जानी चाहिए क्योंकि हमने पहले देखा कि ख्याति एक स्थाई संपत्ति है फिर हमने ये माना कि स्थाई होते हुए भी वो एक अमूर्त संपत्ति की तरह है हमने इसके विशेषताओं में देखा कि ख्याति लाभार्जन से जुड़ी हुई है किसी भी व्यापार की प्रसिद्धि उसके गुडविल उस व्यापार के लाभ को बढ़ाती है तो क्योंकि ये सारे काम वो कर रही है जो एक व्यापार के अन्य तत्व कर रहे हैं व्यापार को चलाने के लिए लाभार्जन के लिए मुख्य रूप से लाभार्जन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो ये जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन भी की जानी चाहिए हमको ये मालूम है कि मशीनरी व्यवसाय की एक स्थायी संपत्ति है हमने उसको कब खरीदा आज के डेट में वो कितने की है व्यवसाय के लिए हमने फर्नीचर खरीदा फर्नीचर एक स्थायी संपत्ति है हमको मालूम रहता है कि उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है बिल्डिंग अगर हम बिजनेस के लिए खरीदते हैं हमको वो भी मालूम रहता है कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है तो फिर गुडविल भी तो संपत्ति है तो क्या हमको ये मालूम करना ज़रूरी नहीं है कि गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है बिल्कुल ज़रूरी है इसलिए हमको यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन uh, करना जरूरी होता है आइए कुछ ऐसे और परिस्थितियों के पर हम एक नज़र डालें जिनको ध्यान में रखते हुए आ, सभी लोग मानते हैं सभी व्यवसायी व्यापारी या उद्योगपति मानते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन की जानी चाहिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म है साझेदारी व्यवसाय है तो वहाँ पर मान लीजिए पहले दो पार्टनर हैं अब वो तीसरे पार्टनर को प्रवेश देना चाहते हैं यानी नए साझेदारों का वो प्रवेश करना चाहते हैं ऐसी कंडीशन में तीसरा चौथा या जो भी नए पार्टनर हैं जब वो आएंगे तो वो फॉर्म की जो स्थिति है जो उसकी आ, उसकी आ, उसका आकार जो है कितनी बड़ी वो फॉर्म है कितनी कैपिटल उसमें लगी हुई है उसके आधार पर वो अपनी कैपिटल लेके आएंगे नए साझेदार तो यहाँ पर वो कितना पैसा लेकर आए एंट्री करने के लिए फ़ॉर्म में प्रवेश करने के लिए उसके लिए गुडविल की वैल्यूएशन भी होनी चाहिए कि उस फॉर्म की प्रसिद्धि कितनी है आप अच्छी कंपनी में नामी कंपनी में जब आप पैसा लगाएंगे तो उसकी अमाउंट कुछ अलग होगी यानी हम उसके गुडविल को देख के उसमें पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन करनी जरूरी हो जाती है या कई बार हम देखते हैं कि साझेदारी फॉर्म में साझेदार जो होते हैं वो लाभ अनुपात में परिवर्तन करते हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उनका पुराना अनुपात यानी कि जब उसने पार्टनरशिप फॉर्म में प्रवेश लिया वो परिवर्तित हो जाता है हमने चैप्टर वन में देखा है कि किस प्रकार जो साझेदार होते हैं वो अपने जो फॉर्म का जो लाभ होता है उसको जो भी प्रश्न में दिया गया होता है उस अनुपात में विभाजित कर लेते हैं लेकिन वो अनुपात अगर परिवर्तित होता है तो सारे जो संपत्तियां होती हैं उनको रिवेल्यूएट किया जाता है उनको फिर से उनकी वैल्यूएशन की जाती है ऐसे कंडीशन में हमको गुडविल की वैल्यूएशन भी साथ साथ में करनी जरूरी होती है एक महत्वपूर्ण तो कारण हम यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है आ, हो सकता है वो अपने आप अवकाश ग्रहण कर ले या हो सकता है रिटायर हो जाए एक अवधि अगर निर्धारित की गई है रिटायरमेंट की या हो सकता है कि अचानक उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि फर्म में कोई नया साझेदार आया तो लाभ हानि अनुपात परिवर्तित हो जाता है वैसे ही अगर फर्म से कोई एक साझेदार चला गया तो फिर से लाभ हानि अनुपात परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जब हमको एसेट्स जितने भी एसेट्स हैं सबके वैल्यूएशन सब को सबको रिवैल्युएट करना जरूरी हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमको सारी एसेट्स के साथ साथ गुडविल की वैल्यूएशन भी करनी पड़ती है तो एक तो ये कारण है एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब साझेदारी फर्म को एक कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाता है दोनों में काफ़ी अंतर है हमने साझेदारी अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत पढ़ा कि किन किन नियमों के आधार पर हम साझेदारी फर्म की स्थापना करते हैं कंपनी अधिनियम बिल्कुल उससे अलग है जब हम पार्टनरशिप फर्म को कंपनी फॉर्म में कंपनी में हम परिवर्तित करते हैं तो बहुत सारे नियम जो होते हैं वो हमको हमको चेंज करने पड़ते हैं यहाँ पर भी हमको अपने जो एसेट्स और लाइबिलिटी होती है उनको देखना पड़ता है कि उनकी क्या स्थिति है तो जब हम सारे एस, एसेट्स की वैल्यूएशन करेंगे तो यहाँ पर हमको फिर ख्याति को भी की वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि जब साझेदारी फर्म का एकीकरण हो जाता है अमल हो जाता है दो ऐसी फर्म में जो एक ही प्रकृति का काम कर रही हैं जैसे मान लीजिए कि एक कपड़ा बनाने वाली एक फर्म है ए और एक कपड़ा बनाने वाली दूसरी फर्म है एच दोनों की प्रकृति एक ही है दोनों कपड़ा बनाती हैं अगर ये अमल इनका होता है अगर इन फर्मों का अमल कमीशन होता है एकीकरण होता है तो ऐसी कंडीशन में पहली कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों में जो गुडविल थी उनकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है कि दोनों की अलग अलग कितने कितने गुडविल थी तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जहां पे फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ता है तो क्योंकि स्थाई संपत्ति के साथ साथ ख्याति जो है वो भी एक स्थाई यानी अमूर्त संपत्ति के रूप में फॉर्म में रहती है इसलिए उसका भी वैल्यूएशन किया जाना जरूरी होता है अब कुछ ऐसे तत्व भी हमको देखने को मिलते हैं जो किसी फर्म की ख्याति को प्रभावित करते हैं इसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं एक हम यहाँ पर देखें व्यवसाय की प्रकृति को तो अगर कोई व्यवसाय ऐसी प्रकृति का है जिसमें नियमित जो है उस वस्तु की मांग बनी रहती है ऐसी वस्तु का प्रोडक्शन करता है जिसकी मांग नियमित बनी रहती है यानी जितना भी वो प्रोडक्शन करता है वो बिक जाता है तो इस तरह की वस्तुओं का जो व्यापार होता है उनकी हम ये मान लेते हैं कि उनकी प्रसिद्धि काफ़ी अच्छी है और हमेशा उनकी जो गुडविल है प्रसिद्धि है वो बढ़ती रहती है आ, दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवसाय की स्थिति क्या है आ, अगर कोई व्यवसाय कोई व्यापार ऐसी जगह पर स्थित है जो पहुंच सुलभ है यानी कि बहुत आसानी से लोग वहां पर पहुंच जाते हैं आ, मार्केट के बीच में है बहुत सारी जनसंख्या के बीच में है वो लोग वहाँ पर रहते हैं लोगों की आवाजाही रहती है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जो दुकान होते हैं ऐसे जो व्यवसाय होते हैं वहाँ पर जो माल होता है वो लगातार बिकता है वो रुकता नहीं है यानी जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके सेल होने की पूरी संभावना बनी रहती है तो इस तरह स्थिति के आधार पर भी जो व्यापार इस तरह से स्थित होते हैं ऐसी जगहों पर स्थित होते हैं उनका गुडविल भी काफ़ी अच्छा होता है इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर कोई व्यापारी अपने माल का उचित दाम उचित मूल्य रखता है और उसका जो प्रोडक्ट रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है यूज़ करने में तो लोग एक दूसरे को बताते हैं और फिर उसके उसका विक्रय जो है वो बढ़ता जाता है तो अगर कोई व्यापारी अपने प्रोडक्ट अच्छे बनाता है उनका मूल्य उचित रखता है तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति जो होती है वो भी बढ़ती जाती है एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जिस पर हमने पहले भी बात की व्यवहार कुशलता अब वो चाहे एकाकी व्यापार हो या फिर साझेदारी व्यापार हो या कंपनी व्यापार हो व्यापार का जो ऑनर है जो स्वामी है अगर वो व्यवहार कुशल है लोगों से उसका बहुत अच्छा रिलेशन है बहुत अच्छे से व्यवहार करता है तो जाहिर सी बात है कि उसका व्यवसाय प्रगति करेगा और साथ साथ उसकी गुडविल भी बढ़ती जाएगी यह हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एकाधिकृत होती हैं उनके प्रोडक्शन पर एकाधिकार मोनोपली होता है अब ऐसी कंडीशन में जो क्रेता होता है उसकी एक मजबूरी बन जाती है कि वो वहाँ से ही उस प्रोडक्ट को खरीदे लेकिन क्योंकि एकाधिकार है और कहीं पर वो प्रोडक्ट बनता नहीं है तो ये प्रयास किया जाता है कि उसके गुडविल जो है उसकी ख्याति जो है वो बनी रहे इसलिए व्यवसायी जो है वो प्रयास करते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का जो गुड्स है उसको तैयार कर सकें वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि विज्ञापन जो है वो लोगों की मनोदशा पे कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ जाता है कि लोग उसके पीछे भागते हैं हम मार्केट से हमेशा ऐसी वस्तुओं को ही खरीदने की कोशिश करते हैं जिसका विज्ञापन हमने कभी ना कभी टीवी पर देखा हो अगर हम मार्केट जाते हैं और हमको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिख जाता है किसी भी यूज़ के लिए जिसके जिसका हमने एडवर्टाइज़मेंट अभी तक नहीं देखा है तो हमको लगता है कि ये क्या नया सा प्रोडक्ट है ये क्या होगा कैसे होगा कुछ डाउटफुल हमको लगने लगता है लेकिन अगर हम उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं जिनके विज्ञापन हम लगातार देख रहे हैं तो हमको लगता है कि ये तो पहचाने से हैं तो ये एक ऐसी एक मानसिक स्थिति हमारे दिमाग में डेवलप कर देता है कि हमको ये लगने लगता है कि अच्छे प्रोडक्ट हैं इसलिए हम मैनेजमेंट में भी देखते हैं कि विज्ञापन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो जिन वस्तुओं का विज्ञापन अच्छा किया जाता है उन वस्तुओं के गुडविल भी बढ़ जाती है वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्राहकों को सुविधाएं अगर अतिरिक्त तो सुविधाएं उनको दी जाए आप जैसे देखते होंगे आजकल के बहुत सारे सुपरमार्केट्स ऐसे हैं बहुत सारी जो बड़ी दुकानें हैं वे ऐसी हैं जो आपको घर पहुंच सुविधा देती हैं तो इस तरह के जो दुकानें होती हैं उनके प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं यानी उनकी गुडविल भी जो है वो बनी रहती है बढ़ने लगती है साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ऐसे व्यवसाय जो अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखते हैं उनको खुश रखते हैं यानी समय समय पर उनका वेतन देते हैं उनको कमीशन देते हैं बोनस देते हैं उनके व्यवसाय उनके व्यापारी के जो कर्मचारी होते हैं वो मन लगा कर काम करते हैं और ऐसा व्यवसाय जो है वो हमेशा ग्रोथ करता है हमेशा वो विकसित होता जाता है तो उनका गुडविल इन व्यवसाय की जो गुडविल है वो भी बनी रहती है तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं किसी भी व्यवसाय के गुडविल को अब हमने बात की गुडविल क्या है क्यों ज़रूरी है वैल्यूएशन किया जाना क्यों ज़रूरी है आ, और बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने गुडविल के बारे में क्या कहा है अब क्योंकि हमने ये मान लिया कि वो एक संपत्ति के रूप में है व्यवसाय में और उसका वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है तो इसकी वैल्यूएशन करें कैसे हमने देखा कि अलग अलग प्रकृति का गुडविल है अलग अलग तरह के व्यवसाय व्यापार उद्योग पेशे में गुडविल की जो प्रकृति है वो अलग अलग है तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन के लिए भी कुछ अलग अलग मेथड निर्धारित किए गए हैं आइए इन पर एक नज़र डालें गुडविल की गणना विधि में हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे औसत लाभ विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड हम देखेंगे आधार विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा यहाँ पर हम देखेंगे पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड इसके अलावा भी गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन फिलहाल हम इन तीन मेथड पर यहाँ पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं औसत लाभ आधार विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हम बात करते हैं औसत लाभ आधार विधि की तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको लाभ के आधार पर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और वो भी कौन सा लाभ औसत एवरेज प्रॉफिट यानी यहाँ हम देखते हैं कि जो गत वर्ष के जो औसत लाभ हैं उनके आधार पर जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय किए गए वर्षों की संख्या अब औसत लाभ हमको ज्ञात करना होगा तो औसत लाभ के लिए हम क्या करेंगे? औसत लाभ लाभ बराबर गत वर्ष के कुल हानी। अगर क्वेश्चन में औसत लाभ दिया गया है सिर्फ औसत लाभ तो उसका प्रयोग हम इस फॉर्मूले में करेंगे लेकिन मान लीजिए हानि भी दी गई है तो पहले हम औसत लाभ में से हानि को माइनस कर लेंगे उसके बाद हम फिर जो बैलेंस बचता है उसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन हम यहाँ पर करेंगे आ, इसके साथ साथ भारित औसत लाभ को भी जान लें वेटेड एवरेज मेथड को भी हम देख लें तो क्योंकि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारित औसत लाभ वाली जो विधि है ये एक प्रकार से हम कहें तो जो औसत लाभ विधि है उसका एक सुधरा हुआ रूप है वेटेड बेस हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिए जब हम जो भी वर्ष होते हैं उन वर्षों के जो लाभ होते हैं उनको हम भार लाभ का जो वेट होता है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके आधार पर हम यहाँ पे गुडविल की वैल्यूशन करते हैं इसके लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं भारित औसत लाभ बराबर गुणनफल का योग बटे भार का योग यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट तो इसके आधार पर हम बहुत आसानी से आ, निकाल लेते हैं प्रॉफिट और फिर हम उसको गुडविल के फॉर्मूले में रख के उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ख्याति बराबर भारी औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ ईयर तो आइए इन फॉर्मूले के आधार पर वेटेड एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड से कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करके इस मेथड को हम और अच्छे से समझें। एक व्यापारी ने पिछले पांच वर्षों में क्रमशः चार हजार रुपए तीन हजार रुपए दो हजार पांच सौ रुपए तीन हजार पांच सौ रुपए और दो हजार रुपए लाभ के कमाए आय ख्याति की राशि निकालिए यदि यह गत पांच वर्षों के औसत लाभ का तीन गुना हो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि पांच वर्षों के लाभ दिए गए हैं और इन लाभ के आधार पर हमको औसत लाभ की गणना करनी है और औसत लाभ आधार विधि से हमको ख्याति की गणना करनी है तो यहाँ सबसे पहले हम पांच वर्षों के लाभ के आधार पर औसत लाभ निकाल लेंगे औसत लाभ निकालने के लिए हम गत पांच वर्षों के कुल लाभ को से भाग देते हैं तो सबसे पहले हम पांच वर्षों का कुल लाभ ज्ञात कर लेंगे टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइव ईयर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड ये फिफ्टीन थाउजेंड हमको टोटल प्रॉफिट मिल गया अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको फाइव से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव थ्री थाउजेंड गुडविल हमने देखा कि जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी औसत लाभ आधार विधि से गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर तो इतना पर हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया थ्री थाउजेंड इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रय किए गए वर्षों की संख्या या फिर औसत लाभ से का जितना गुना भी प्रश्न में दिया हो तो यहाँ पर तीन गुना दिया गया है तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ हमने नाइन थाउजेंड फाइंड आउट कर लिया एक फर्म की विगत पांच वर्षों की लाभ हानि इस प्रकार है सन उन्नीस सौ का लाभ पंद्रह हजार रुपए उन्नीस तिरानबे का लाभ तेरा हजार रूपये उन्नीस की हानि आठ हजार रुपये उन्नीस का लाभ दस हजार रूपये उन्नीस का लाभ पन्द्रह हजार रुपये ख्याति का मूल्यांकन गत पांच वर्षों के औसत लाभ के दो वर्षों के क्रय पर किया जाता है फॉर्म की ख्याति का मूल्य निर्धारण कीजिए इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमको औसत लाभ आधार विधि पर ही ख्याति की गणना करनी है लेकिन यहाँ पर नई बात यह है कि विभिन्न वर्षों के लाभ के साथ साथ यहाँ पर हानि भी दी गई है ऐसी दशा में हम फर्म का औसत लाभ निकालते समय इस हानि को कुल लाभ में से घटा देंगे तो यहाँ हम फर्म का औसत लाभ निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 15,000 प्लस थर्टीन थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड माइनस एट थाउजेंड डिवाइडेड लॉस दिया गया है वो टोटल फाइव ईयर का है तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव यानी नाइन थाउजेंड हमको एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म मिल जाएगा अब क्योंकि हमको एवरेज प्रॉफिट मिल गया है अब हम बहुत आसानी से इसको गुडविल के फॉर्मूले में रखकर गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्म के ख्याति का मूल्य बराबर औसत लाभ गुणित वर्षों की संख्या वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल इक्वल टू नाइन थाउजेंड इंटू टू यानी एटीन थाउजेंड ये गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली। आ, तथा ब के फॉर्म पिछले तीन वर्षों से विद्यमान है उसने प्रथम वर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए का लाभ कमाया दूसरे वर्ष में उसने प्रथम वर्ष की अपेक्षा पचास हजार रुपए अधिक लाभ कमाया तीसरे वर्ष में उसने दूसरे वर्ष की तुलना में एक लाख रुपए कम कमाया औसत लाभ के दो वर्षों के क्रय पर ख्याति की गणना कीजिए इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमें ख्याति की गणना औसत लाभ आधार विधि से ही करना है जिसे हम एक बहुत ही आसान सूत्र के द्वारा कर सकते हैं ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर और एवरेज प्रॉफिट भी हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या लेकिन क्योंकि यहाँ पर लाभ के बारे में आ, बताया गया है कि प्रथम वर्ष में उसने जो लाभ कमाया था दूसरे वर्ष में उसने प्रथम वर्ष की अपेक्षा पचास हजार अधिक कमाया और तीसरे वर्ष में उसने दूसरे वर्ष की तुलना में एक लाख रुपए कम कमाया तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के उनको हमको पहले कैलकुलेट कर लेना होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम वर्ष का लाभ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड जो की में दिया है। और दिया गया है कि क्वेश्चन में उसने प्रथम वर्ष की अपेक्षा पचास हजार रुपए अधिक लाभ कमाया क्योंकि प्रथम वर्ष उसने टू लैख फिफ्टी थाउजेंड उसका प्रॉफिट था अब उसमें हम प्लस कर देंगे फिफ्टी थाउजेंड और तो थ्री लैख हो जाएगा इसका प्रॉफिट दूसरे साल तीसरे साल उसने दूसरे वर्ष के तुलना में एक लाख कम कमाया यानी तीसरे साल उसने कितना कमाया दूसरे साल कमाया था तीन लाख उससे एक लाख कम माइनस वन लाख इक्वल टू टू लाख तो यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा थ्री लाख और थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा टू लाख यानी टोटल प्रॉफिट हो जाता है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड और एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे तो सेवन लैख्टी थाउजेंड अप ऑन थ्री टू लैख फिफ्टी थाउजेंड हो जाता है इसके आधार पर हम बहुत आसानी से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कैलकुलेट गुडविल ऑन टू ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट दो वर्षों के क्रय के आधार पर तो टू से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव लाख हमको यहाँ पर गुडविल मिल जाता है अमर ने एक साझेदारी फर्म के व्यवसाय को 1 जनवरी 2001 से क्रय किया गत पांच वर्षों में फर्म के व्यवसाय से लाभ इस प्रकार रहे हैं उन्नीस में पचहत्तर हजार रुपये पांच हजार रुपए के असामान्य लाभ सहित उन्नीस सौ सन्तानवे में अस्सी हजार रुपए, पंद्रह हजार रुपए असामान्य हानि सहित उन्नीस सौ अंठानवे में नब्बे हजार रुपए, उन्नीस सौ निन्यानवे में पचासी हजार रुपए, इसमें साझेदारों के निजी व पांच हजार रुपए लिखने के बाद वर्ष दो हजार का लाभ है एक लाख रुपए विगत पांच वर्षों के औसत लाभ के तीन वर्ष के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि पांच वर्षों का औसत लाभ दिया गया है लेकिन वर्ष उन्नीस सौ और उन्नीस में कुछ समायोजन भी है जैसे यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष उन्नीस में जो पचहत्तर हजार का लाभ हमको शो हो रहा है उसमें पांच हजार रुपए का असामान्य लाभ भी शामिल है तो हमने देखा कि जब भी हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो हम सामान्य लाभ के आधार पर ही मूल्यांकन करते हैं तो यहाँ पर हम वर्ष उन्नीस का जो लाभ है पचहत्तर हजार उसमें से पांच हजार रुपये असामान्य लाभ को घटा देंगे यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है 1996 का वो हम सेवेंटी थाउजेंड रुपीजे में अस्सी हजार रुपए का लाभ दिखा रहा है लेकिन इसमें पंद्रह हजार रुपए की असामान्य हानि है अब क्योंकि वो हानि है तो जिस तरह हम, हमने असामान्य लाभ को जोड़ा था तो यहाँ पर हमको असामान्य हानि को इसमें ऐड कर देना है यहाँ पे ये जो प्रॉफिट होगा वो हमको शो होगा पंचानवे हजार रुपए उन्नीस किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं है तो हम उसको एज इट इज 90,000 लिख देंगे 1999 में जो हजार का लाभ दिख रहा है इसमें निजी व्यय भी है, इसमें साझेदारों के निजी व्यय लिखने के बाद का ये लाभ है यानी कि ये आहरण है और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हम दायित्व साइड में पूंजी और आहरण को जोड़कर लिखते हैं तो हम इस 85 में 5000 प्लस कर देंगे तो ये 90000 हो जाएगा वैसे ही प्रॉफिट यहाँ पर 2000 का दिया है 1 लाख, जिसमें किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं है अब हम पांच साल का ये कुल लाभ अगर जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड और हम इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर यानी फाइव से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ एटी नाइन थाउजेंड अब क्योंकि हमको एवरेज प्रॉफिट मिल गया है अब गुडविल हमको कैलकुलेट करना है तो गुडविल हो जाएगा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पर निकाल लिया है एटी नाइन थाउजेंड नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया गया है तीन वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है तीन से हम इसको गुणा कर देंगे into 3, तो ये टू लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड गुडविल हमको यहाँ पर मिल जाएगी एक फर्म के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं सन 2008 हजार आठ रुपए दस हजार दो हजार नौ बारह हजार दो हजार दस पंद्रह हजार दो हजार ग्यारह बारह हजार पांच सौ दो हजार बारह नौ हजार भारत औसत लाभ विधि का प्रयोग करते हुए तीन वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए वर्ष 2008, 2009 और 2010 में दिए गए भार क्रमशः एक, दो, तीन चार पांच है इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि वेटेड एवरेज मेथड यानी भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग करते हुए हमको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है तो सिस्टमेटिक uh, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको इसके लिए एक टेबल बना लेना चाहिए जिसमें चार कॉलम होंगे फर्स्ट कॉलम में हम ईयर लिखेंगे सेकेंड कॉलम में प्रॉफिट वैल्यू लिखेंगे थर्ड कॉलम में वेट लिखेंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और इसके आधार पर फिर हम फॉर्मूला पुट करके गुडविल की कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं तो यहाँ पर हम ईयर देख रहे हैं टू 2009, 2010, 2011 और 2012. Profit हम देख रहे हैं यहाँ पर 2008 के लिए 2009 के लिए 12,000, 2010 और लिए 15,000, 2011 के लिए और 2012 के लिए 9,000. वेट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कंटिन्यूस uh, अगर हम देखें तो 2008 से 12 तक में वन टू थ्री फोर फाइव इसका वेट दिया गया है प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2008 का प्रोडक्ट हो जाएगा 10,000 थाउजेंड इंटू वन टू का प्रोडक्ट हो जाएगा 12,000 थाउजेंड इंटू टू ट्वेंटी 2010 का प्रोडक्ट हो जाएगा 15,000 into three 45,000 2011 का प्रोडक्ट हो जाएगा 12,500 into four 50,000 और 2012 का प्रोडक्ट हो जाएगा 9,000 into five 45,000 अब वेट अगर हम टोटल करें तो 15 आ जाता है और प्रोडक्ट अगर हम टोटल करें तो one lakh seventy हमको मिलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेनी होगी जिसके लिए हम यूज बाई टोटल ऑफ द वेट ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है तो ये हो जाएगा वन लैक सेवेंटी फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई फिफ्टीन यानी इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा और गुडविल के कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है 11,600 और नंबर ऑफ परचेस ईयर हमको दिया गया है क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो 34,800 हमको गुडविल प्राप्त हो जाएगी तो आपने देखा कि किस प्रकार हम एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल uh, की वैल्यूशन करते हैं अब हम इसका सेकेंड uh, मेथड देखते हैं जो है अधिलाभ आधार विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड है इसके लिए हमको जो भी ख्याति होती है उसकी गणना हमको अधिला के जो वर्ष होते हैं उनके आधार पर हमको यहाँ पर ख्याति की गणना करनी होती है और बहुत सिंपल सा हम इसके फौर, इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं सबसे पहले हमको गुडविल कैसे निकालना है ये फॉर्मूला हम देख लें और फिर हम देखेंगे कि फिर अब इसके लिए हमको किन किन कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो गुडविल यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ परचेस ईयर तो अब क्योंकि यहाँ पर हमको सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत है तो अब हम इसके बाद सुपर प्रॉफिट पहले सुपर तो सुपर तो सुपर कैलकुलेट कर लें सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यानी कि अधिलाभ हम कैसे निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ तो इसके आधार पर हम बहुत आसानी से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो हम उसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए यहाँ हम फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन हंड्रेड तो ये सारी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आसानी से गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं हो सकता है कई क्वेश्चन में कैपिटल भी ना दिया हो तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत आसानी से कैपिटल भी निकाल लेंगे कैपिटल के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी हमको यहाँ पे यूज़ करनी है इसका हमको ध्यान में रखना है तो ये सारी चीज़ें जब हमको मिल जाएंगी तो हम बहुत आसानी से सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे तो आइए इन सब फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें जिससे हम इस मेथड को और अच्छे से समझ सकें एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी एक लाख रुपए है इस प्रकार के व्यवसाय में दस प्रतिशत आय अपेक्षित है। पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ बारह हजार रुपए है ख्याति का मूल्यांकन के बराबर करना है ख्याति का मूल्य निकालिए इस प्रश्न में क्योंकि विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल इंप्लॉय दी गई है तो कैपिटल इंप्लॉयड मेथड से हम यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे वीडियो में हमने देखा था कि जब हमको कैपिटल इंप्लॉयड मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है तो वहां पर हमको अधिलाभ, यानी कि सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि विनियोजित पूंजी दी गई है लाभ का प्रतिशत दिया गया है और औसत लाभ निकाल कर दे दिया गया है यानी यहाँ पर हमको औसत लाभ और सामान्य लाभ के आधार पर अधिलाभ की कैलकुलेशन करनी है यानी अधिलाभ आधार विधि से हमको ख्याति की गणना करनी है तो हमको क्योंकि अधिलाभ की जरूरत पड़ेगी इसलिए सबसे पहले हम ये जो विनियोजित पूंजी कैपिटल इंप्लॉयड दिया गया है उसके आधार पर हम सामान्य लाभ की गणना कर लें क्योंकि औसत लाभ तो हमको कैलकुलेट करके दे दिया गया है तो सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड इंटू रेट अपॉन हंड्रेड सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे सौ तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू वन लैख इंटू टेन अपॉन हंड्रेड यानी टेन थाउजेंड ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया और ट्वेल्व थाउजेंड जो है वो रियल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभ निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड इक्वल टू टू थाउजेंड अब क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट कर दिया गया है कि दो वर्षों के औसत क्रय के आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन करनी है तो ये हो जाएगा गुडविल इक्वल टू टू थाउजेंड टू यानी फोर थाउजेंड हम यहाँ पर गुडविल हमको मिल जाएगी ए बी सी फर्म की भविष्य में प्रत्याशित औसत शुद्ध लाभ बहत्तर हजार रुपए प्रति वर्ष है फर्म के व्यवसाय में नियोजित औसत पूंजी चार लाख पचास हजार रुपए है इस वर्ग के व्यवसाय में निवेशित पूंजी पर प्रत्याशित प्रतिफल की दर 10% प्रतिशत है साझेदारों का पारिश्रमिक बारह हजार रुपए प्रति वर्ष आकलित किया जाता है अधिलाभ के दो वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए इस प्रश्न में पिछले प्रश्न की अपेक्षा एक नया पॉइंट दिया गया है जिसमें यहाँ पर साझेदारों पर पारिश्रमिक के बारे में भी बात कही गई है ऐसी कंडीशन में जब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो या तो हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे और या फिर अगर प्रश्न में दिया गया है तो उसमें से हम ये जो प्रति वर्ष पारिश्रमिक की अमाउंट है उसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल एवरेज एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट इक्वल टू माइनस सैलरी ऑफ पार्टनर। यानी माइनस 12,000 60,000 अब हमको क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है और सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और साथ में नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया अब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय फाइव यानी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड कैपिटल दी गई है इनटू टू टेन परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो इसका टेन हम निकालेंगे तो फोर्टी हमको मिलेगा अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके तो ये हो जाएगा 60,000 माइनस 45,000 यानी कि 15,000 और वैल्यू ऑफ गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेस तो नंबर ऑफ इयर परचेस यहां पर प्रश्न में दिया गया है दो वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया फिफ्टीन तो वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगी फिफ्टीन थाउजेंड इंटू टूल टू थर्टी थाउजेंड एक फर्म का औसत लाभ पच्चीस है। सामान्य की दर दस प्रतिशत है लाभ की संपत्तियां तीस हजार तथा दायित्व एक लाख पचास हजार रुपए है आधे लाभ के दो वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए यहां पर भी हमको अधिलाभ आधार विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है लेकिन यहां पर एक नया पॉइंट दिया गया है जिसमें फॉर्म की संपत्ति और दायित्व के बारे में बताया गया है फॉर्म की संपत्ति और दायित्व तो दिया गया है लेकिन जैसे कि पहले के प्रश्नों में दिया गया था विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड वो नहीं दिया गया है तो हम फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटी के बेस पे कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे जैसे कि हमने वीडियो में देखा था तो यहां हम सबसे पहले कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करेंगे कैपिटल इक्वल टू एसेट्स यानी तो वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड हमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया फिर हम प्रश्न में देख रहे हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया गया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया गया है तो अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन हंड्रेड करते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू वन लैख सेवेंटी फाइव और सुपर प्रॉफिट के लिए हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं यानी 25000 17500 तो ये 7500 सुपर प्रॉफिट हो जाएगा और गुडविल की हम कैलकुलेशन कर लेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर तो 7500 इनटू टू, तो 15000 यहां पर हमको गुडविल मिल जाएगा मेसर्स हेम एंड ब्रदर्स का औसत लाभ तैतीस हजार सौ था जिसमें एक हजार छह सौ रुपए का असामान्य लाभ शामिल है व्यवसाय में तीन लाख पूंजी निवेश थी सामान्य लाभ की दर दस प्रतिशत थी ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के चार गुना के आधार पर कीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही गुडविल की वैल्यूशन यहाँ पर हमको करनी है उसके लिए हमको यहाँ पर देखना है कि हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है तो एवरेज प्रॉफिट क्योंकि 33,600 है लेकिन एक नई बात यहाँ जो बताई गई है कि इस 33,600 में 1600 रुपीस का एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी असामान्य लाभ शामिल है जिसको कि हम एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो अब शामिल है कह दिया गया है तो हम इसको इसमें से हटा देंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो हंड्रेड यानी 1600 यानी कि 32,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं बहुत आसानी से क्योंकि यहाँ पर कैपिटल दी गई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थ्री लैख इंटू टेन परसेंट तो थर्टी थाउजेंड इसका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा अब हम इसके आधार पर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी थर्टी टू थाउजेंड माइनस थर्टी टू थाउजेंड यानी थर्टी टू थाउजेंड माइनस थर्टी थाउजेंड तो टू थाउजेंड यहाँ पर हमको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा और फिर हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर तो ये हो जाएगा 2000 इनटू 4 यानी 8000 यहाँ पर हमको गुडविल मिल जाएगी। एबीसी फॉर्म का भविष्य में अनुमानित औसत शुद्ध लाभ 57,000 रुपए प्रति वर्ष है। फॉर्म की व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए है। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर 12 प्रतिशत आय अपेक्षित है साझेदारों का पारिश्रमिक नौ हजार रुपए प्रति वर्ष अनुमानित है के दो वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए इस प्रश्न में हमको ख्याति का मूल्यांकन वर्षों के क्रय के आधार पर करना है यानी सामान्य हम Uh, आधार विधि के आधार पर ही यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको नॉर्मल uh, प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल uh, इंप्लॉयड दी गई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है तो इसके बेस पे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये हो जाएगा थ्री लैख इंटू ट्वेल्व परसेंट यानी थर्टी सिक्स थाउजेंड एवरेज प्रॉफिट के बारे में हमको बताया गया है कि सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर ईयर है लेकिन यहाँ पर साझेदारों के पारिश्रमिक की भी बात कही गई है नौ हजार तो इसको हम क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं तो इसको हम यहाँ पर सेवेंटी फाइव थाउजेंड में से माइनस कर देंगे सिक्सटी सिक्स थाउजेंड आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट और क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया तो इसके आधार पर हम बहुत आसानी से सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 66,000 माइनस 36,000 यानी 30,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया और फिर हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस यानी ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया सुपर प्रॉफिट 30,000 नंबर ऑफ परचेस यहाँ पर दिया गया है टू तो ये हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड एक व्यापारिक फर्म जिसकी पूंजी अस्सी हजार रुपए है फर्म का औसत लाभ नौ हजार रुपए है ऐसे व्यापार पर साढ़े सात प्रतिशत लाभ अपेक्षित है के पूंजीकृत विधि के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए यहाँ पर हमको पूंजीकृत विधि का प्रयोग करते हुए ख्याति की गणना करनी है और उसके लिए हमको सबसे पहले अः हम देखते हैं कि फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे इसके लिए तो ये हो जाएगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कुल मिलाकर हमको सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होगी और सुपर प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट तो क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो हमको प्रश्न में दिया गया है नाइन थाउजेंड हमको अब यहाँ पर निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट भी हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमको कैपिटल इम्प्लॉइड भी दिया गया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया है तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लें नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन हंड्रेड एटी थाउजेंड इंटू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट सिक्स थाउजेंड एवरेज प्रॉफिट दिया गया है नाइन थाउजेंड तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू और गुडविल हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी थ्री थाउजेंड इंटू हंड्रेड अपॉन सेवन पॉइंट फाइव यानी फोर्टी थाउजेंड हमको यहाँ पर गुडविल मिल जाएगा निम्नांकित आंकड़ों से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए पहला औसत लाभ विधि द्वारा दूसरा विधि द्वारा निम्न जानकारियां दी गई हैं। पहला औसत लाभ है वन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सामान्य लाभ की दर टेन परसेंट संपत्तियां यानी एसेट्स सेवेंटीन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड दायित्व यानी लेबिलिटी सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ पर हमको दो विधि का प्रयोग करना है औसत लाभ आधार विधि से और आधार विधि से तो जब हम औसत लाभ आधार विधि से ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्योंकि औसत लाभ हमको दिया गया है तो उसके आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन कर पाएंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि विनियोजित पूंजी जो है आ, वो हमको यहाँ पर नहीं मालूम है तो विनियोजित पूंजी निकालने के लिए हम संपत्ति में से दायित्व को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉय इक्वल टू एसेट्स सेवेंटीन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस लाइबिलिटी सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो ये हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉय टेन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड और एवरेज प्रॉफिट क्योंकि निकाल के दे दिया गया है 1, like 29, 600, तो यहां पर क्योंकि हमको औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर वैल्यूएशन करनी है गुडविल की कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है के बेस पे तो यह हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 100 10. तो ये 12 हमारा हो जाएगा, का. और इसके आधार पर अब हम गुडविल बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड तो इज वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी ट्वेल्व लैख नाइन सिक्स थाउजेंड इसमें से हम माइनस कर देंगे कैपिटल इम्प्लॉय टेन लैख टी सिक्स थाउजेंड तो टू लैख से गुडविल यहाँ पर मिल जाएगी दूसरा मेथड हम यूज करते हैं अधिलाभ विधि द्वारा सुपर प्रॉफिट मेथड से क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको जब हम गुडविल के कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला यूज करना होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमको सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना है उसके लिए हमको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट के के कैलकुलेशन लिए हमको कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए तो सबसे पहले हम कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट कर लें कैपिटल इम्प्लॉयड इक्वल टू एसे माइनस सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड टेन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड हमारा कैपिटल एम्प्लॉय इसके बेस पे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल कैपिटलॉय माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी टेन लैख ट्वेंटी हम निकाल लेंगे वन लैख टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट प्रश्न में दिया गया है 1, 29, तो इसके आधार पर हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड गुडविल हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इन टू हंड्रेड अपॉन टेन यानी टू लैख सेवेंटी थाउजेंड हमारा गुडविल यहाँ पर हमको मिल जाएगा एक व्यापार ने औसत लाभ एक लाख रुपए पिछले वर्षों में कमाया और इस प्रकार के व्यवसाय में सामान्य आय की दर दस प्रतिशत है ख्याति की गणना कीजिए पहला अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति द्वारा दूसरा अधिलाभ विधि द्वारा यदि ख्याति का मूल्यांकन तीन वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाता हो व्यापार के संपत्तियां एक लाख और दायित्व एक लाख अस्सी हजार रुपए है इस प्रश्न में हमको दो मेथड यूज करना है एक अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति और दूसरा अधिलाभ विधि तो जब हम अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति से गुडविल की गणना करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर अधिलाभ गुणित सौ बटे सामान्य प्रत्याय की दर तो क्योंकि हमको यहाँ पर अधिलाभ चाहिए यानी सुपर प्रॉफिट चाहिए और सुपर प्रॉफिट के लिए हमको नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ पर निकाल के दे दिया गया है नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया गया है तो हम संपत्ति और दायित्व के आधार पर पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइब्रिटी एसेट्स दी गई है टेन लैख और लाइब्रिटी दी गई है वन लैख एटी थाउजेंड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टेन अपॉन हंड्रेडी टू थाउजेंड नॉर्मल प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करके दे दिया गया है सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट यानी वन लैख माइनस एटी टू थाउजेंड 18,000 थाउजेंड यहाँ पर हमको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा और इसके बेस पे हम बहुत आसानी से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये गुडविल हो जाएगा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन एटीन इन टू डिवाइडेड बाई टेन यानी वन लैख एटी अब इसी क्वेश्चन को जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि से बनाते हैं तो सुपर प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया है अब इसके आधार पर हम बहुत आसानी से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा गुडविल इक्वल टू सुपर गुडविलोफिट इन किए गए वर्ष तो सुपर प्रॉफिट हमको मिल गया एटीन थाउजेंड क्रय के वर्ष यहाँ पर दिया गया है तीन वर्षों के क्रय के आधार पर तो तीन से हम इसको मल्टीप्लाई करके बहुत आसानी से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे जो कि फिफ्टी फोर थाउजेंड हो जाएगी एक फॉर्म बीस हजार रुपए औसत लाभ अर्जित करती है और एक लाख रुपए पूंजी के रूप में विनियोजित करती है इस प्रकार के व्यापार में साधारणतया दस प्रतिशत लाभ होता है यदि ख्याति अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के बराबर हो तो फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन कीजिए यहां पर हमको नॉर्मल प्रॉफिट का रेट दिया गया है और हमको क्योंकि पूंजीकृत मूल्य के बराबर और यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि ख्याति अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के बराबर हो यहाँ गई है और पूंजीकरण की भी सूचना दी गई है तो हम यहाँ पर अधिलाभ की पूंजीकरण विधि का प्रयोग करेंगे जैसे कि हमने वीडियो में देखा था जब हम अधिलाभ की पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं तो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू हंड्रेड ख्याति बराबर अधिलाभ बटे सामान्य लाभ की दर गुणित सौ और अधिलाभ के बारे में तो हमने पहले जान ही लिया है कि अधिलाभ की कैलकुलेशन हम करते हैं औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटाकर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस जनरल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी जानकारियां क्वेश्चन में दी गई है और क्या क्या हमको यहाँ पर ज्ञात करना है एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो दिया गया है ट्वेंटी थाउजेंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है टेन थाउजेंड टेन परसेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर कैलकुलेट करके दे दी गई है वन लैख

सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 20000 माइनस 10000 तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 10000 और अब हम सुपर प्रॉफिट के बेस पे सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन करते हुए बहुत आसानी से गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टेन थाउजेंड इन टू हंड्रेड अपॉन टेन तो ये गुडविल हो जाएगी यहाँ पर हमको लाख ,00 की। एक फर्म का औसत लाभ हजार रुपए है पूंजी दो लाख रुपए है इस प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रत्याय की दर दस प्रतिशत है पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना कीजिए औसत लाभ विधि अब इस प्रश्न में क्योंकि हमको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी और नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल के कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है एक तो कैपिटल इंप्लॉयड दिया गया है टू लैख का एवरेज प्रॉफिट दिया गया है थर्टी थाउजेंड का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है टेन परसेंट तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसकी कैलकुलेशन कर लें बहुत आसान आसानी से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन टू हंड्रेड यानी ये हो जाएगा थर्टी थाउजेंड इन टू हंड्रेड अपऑन टेन थ्री लैख हमने कैपिटलाइजेशन कर लिया एवरेज प्रॉफिट का थ्री लैख अब हम बहुत आसानी से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे जिसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया थ्री लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमको क्वेश्चन में दिया गया है टू लाख तो ये वन लाख हमारा गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से अब हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड देखें तो इसके लिए क्योंकि हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए और एवरेज प्रॉफिट तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है लेकिन हमको नॉर्मल प्रॉफिट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन हंड्रेड कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया गया है टू लैख तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा टू लैख इंटू टेन अपॉन हंड्रेड यानी ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट और इसके बेस पे अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट तो ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी थर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड प्रॉफिट गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर ली है टेन थाउजेंड इन टू हंड्रेड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है टेन तो ये हो जाएगा गुडविल वन लैख आपने देखा कि किस प्रकार हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं और कुछ प्रश्न में हमने ये देखा कि कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी गई है तो ऐसी कंडीशन में हम हमको एक बात ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि विनियोजित पूंजी नहीं दी गई है तो ऐसी कंडीशन में हमको व्यवसाय की जो कुल विनियोजित पूंजी है उसमें से कुल बाह्य दायित्व यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में से आउटसाइड कैप लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको घटा के फिर हम यहाँ पे कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं इसी तरह जब हम पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो हम ये एक अनुमान लगा देते हैं कि हमने व्यवसाय में जो पूंजी विनियोग की है यानी जिसे हम विनियोजित पूंजी कहते हैं एक अनुमान के आधार पर लगभग कितना लाभ हम उसमें से वर्ष भर में प्राप्त कर लेंगे यानी एक अनुमानित लाभ जो होता है वो और दूसरा औसत लाभ इन दोनों के डिफरेंस के आधार पर हम पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करते हैं लेकिन इसके अंदर भी हम चाहे तो दो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं एक तो हम इस ख्याति को पूंजीकरण के औसत लाभ पूंजीकरण विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा हम अधिलाभ पूंजीकरण विधि के आधार पर भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं आ, तो जब हम औसत लाभ पूंजीकरण विधि का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट पे ही बेस होता है यहाँ पर हम जिस फार्मूले का प्रयोग करते हैं वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ यहाँ अब क्योंकि हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए और भी बहुत सारे कैलकुलेशन करने होंगे तो हम पहले सारे छोटे कैलकुलेशन कर लेंगे जैसे यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन एवरेज वैल्यू यानी एवरेज प्रॉफिट की अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एवरेज प्रॉफिट इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और उसके बाद क्योंकि हमको फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी गुडविल की और उसके बाद क्योंकि हमको इस फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेशन करनी होगी गुडविल की तो यहाँ हम गुडविल के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ़ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये हम एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे और ऐसे ही हम इसी एवरेज प्रॉफिट को यूज़ करते हुए सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कैपिटलाइजेशन uh, मेथड से गुडविल के कैलकुलेशन कर सकते हैं तो इसके लिए हमको थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे क्योंकि हमको गुडविल के कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट के बेस पे करना है तो यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अब क्योंकि यहाँ हमको सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करनी होगी तो सुपर प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो इन दोनों ही मेथड्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए आइए हम इनसे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें एक फर्म का औसत लाभ अस्सी हजार रुपए है फर्म की कुल संपत्तियां दस लाख रुपए है तथा चालू दायित्व चार लाख अस्सी हजार है अपेक्षित आय की दर दस प्रतिशत है औसत लाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि अपेक्षित आय की दर दी गई है संपत्तियां दी गई है दायित्व तो दिया गया है इन सब के आधार पर हम कैपिटलाइजेशन मेथड पूंजीकरण विधि का प्रयोग करके ख्याति की गणना करेंगे तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा था जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड से ख्याति की गणना करते हैं तो वहां पर हम गुडविल की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लॉय तो इसके लिए हमको दो चीजें चाहिए एक तो हमको कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए और दूसरा हमको कैपिटल इम्प्लॉय चाहिए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हमने देखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम टोटल एसेट्स में से आउटसाइड टोटलिटी को माइनस कर देते हैं प्रश्न में हमको स्पष्ट रूप से टोटल एसेट्स दिया गया है टेन लाख का और आउटसाइड लाइब्रिटीज दी गई है फोर लाख एटी थाउजेंड की तो यहाँ हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड अब हम निकाल लेते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू हंड्रेड एवरेज प्रॉफिट हमको क्योंकि कैलकुलेट करके दे दिया गया है एटी थाउजेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको क्वेश्चन में दिया गया टेन परसेंट इंटू हंड्रेड तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू हमको मिल जाती है एट लैख अब हम गुडविल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड यानी एट लैख माइनस फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड टू लैख एटी थाउजेंड हमको गुडविल यहाँ पर मिल जाएगी एक फर्म की विनियोजित पूंजी एक लाख पचास हजार रुपए है सामान्य लाभ की दर दस प्रतिशत है एक रुपए का पांच वर्ष का दस प्रतिशत वार्षिक की दर से वर्तमान मूल्य तीन रुपए अठहत्तर पैसे है पांच वर्ष का औसत लाभ बीस हजार रुपए है वार्षिकी पद्धति से ख्याति का मूल्य निकालिए मेथड यानी कि वार्षिकी पद्धति से हमने देखा ख्याति का मूल्य निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू टू वैल्यू तो यहाँ पर हमको सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी और सुपर प्रॉफिट के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों ही चाहिए अब क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो हमको कैलकुलेट करके दे दिया गया है तो हम सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इसका टेन परसेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे 15,000 हमको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है 20,000। सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 20,000 माइनस 15,000। यानी 5,000 सुपर प्रॉफिट हो जाएगा गुडविल के कैलकुलेशन हम कर लेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू टू एन्यूटी वैल्यू एन्यूटी वैल्यू यहाँ पर दी गई है थ्री पॉइंट सेवन एट और सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है तो ये हो जाएगा गुडविल इक्वल टू फाइव थाउजेंड इंटू थ्री पॉइंट सेवन एट यानी एटीन थाउजेंड तो इस पूरे अध्याय में आपने जाना कि किसी भी व्यापार की ख्याति उसके लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमने देखा कि ख्याति की अपनी कौन कौन से विशेषताएं हैं व्यापार व्यवसाय उद्योग या पेशा के आधार पर इसकी प्रकृति जो है वो बदलती रहती है ख्याति के मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां होती हैं किन विधियों का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं कौन कौन से फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम अलग अलग तरह से ख्याति की वैल्यूशन करते हैं और बहुत सारी कैलकुलेशन भी हमने की जिससे हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ख्याति की गणना किस प्रकार की जाती है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हम साझेदारी के आगे के अध्यायों में इस ख्याति की गणना को बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए छोटे छोटे कैलकुलेशंस के रूप में हम इसको यूज़ करेंगे तो ख्याति के बारे में काफ़ी जानकारी हमने इस अध्याय में प्राप्त कर ली ख्याति के साथ साथ साझेदारों के जो लाभ हानि विभाजन अनुपात होते हैं वो भी किसी व्यवसाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कैसे हम इनके कैलकुलेशन करते हैं कैसे नए साझेदार के प्रवेश पर ये चेंज हो जाते हैं या फिर साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर इनमें परिवर्तन हो जाता है इस सब की जानकारी देखेंगे हम इसके आगे के अध्याय में